हेलो, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। ये जो आप देख रहे हो वो है आपकी पेपर पैटर्न। क्या है पेपर पैटर्न? तो ये FA1 की पेपर पैटर्न है, और ये इसमें जो लेसन है वो लेसन नंबर है आपके 1 to 10। आपकी ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इंडेक्स आगे की ओर एक इंडेक्स है, उसमें लेसन नंबर 1 to 10, यानी कि जितना हमने किया है उतना 1 से 10 तक हमने किया है, तो ये उसकी पेपर पैटर्न। उसमें क्वेश्चन 1A, डू एस डायरेक्टेड, यानी कि आपको इधर नीचे जैसा बोला है वैसा करना है। उसमें पहला है एड एस और ईएस। आपको इधर नीचे कुछ सिंगुलर वर्ड्स दिए होंगे, उसमें आपको एस और ईएस ऐड करना है, ओके? वो 2 मार्क्स में। ड्रॉप वाई एंड ऐड आईईएस, वो भी 2 मार्क्स। ड्रॉप एफ और एफई एंड ऐड वीईएस, वो भी 2 मार्क्स। और फोर्थ वाला है इरेगुलर प्लूरल, वो भी 2 मार्क्स के, ओके? फिर है बी, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, ओके? नीचे जो आपको एक राइमिंग वर्ड दिया होगा उसके सामने आपको 2 राइमिंग वर्ड लिखने हैं, ओके? उसके हैं 4 मार्क्स। क्वेश्चन 2A, सी द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंसेस। जैसे कि हमने वो धिस एंड धैट वाली एक्सरसाइज में पिक्चर्स आते हैं ना, तो उस एक्सरसाइज में आपको पिक्चर दिया होगा और फिर उसके सामने आपको वो सेंटेंस लिखना है, तो उस एक्सरसाइज के हैं 4 मार्क्स। और लास्ट में हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज थी जो फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस और दैट, वो भी कितने मार्क्स की है? 4 मार्क्स की। तो ये हमारी टोटल 20 मार्क्स की FA1 की इंग्लिश ग्रामर की स्टैंडर्ड 1 की पेपर पैटर्न है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कल से अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? तो सब लोग रिवीजन ध्यान से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।